नहीं है। अब मैं सर ये चाहता हूँ एक मेरे ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, वो सब हम नहीं कर सकते। सो गाइस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मनोज दे के अंदर कितना घमंड आ चुका है। तो गाइस जैसा कि आप मनोज दे के बारे में जानते हैं कि पिछले महीने डीजे बॉय साजिद खान और काचा बादाम चाचा जी का चैनल ओपन करवाया था। तो अभी मैं इनका अभी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ मैं करके जाऊंगा। आप लोगों को पता ही मैं यही काम ही करता हूँ। साजिद खान का भी आप लोग देख रहे हैं चैनल 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया है 2 महीना में, जो कि मैंने ही चैनल बनाया था। इसे देखते हुए ये गोरेलाल, इनका नाम है गोरेलाल, जो कानपुर के रहने वाले हैं और 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके पहुंचे थे इनके शहर धनबाद में इनसे मिलने के लिए। यही सोच समझ के गए थे कि मेरा भी चैनल ओपन करवा देंगे और मेरे साथ वीडियो बनवा देंगे और मैं पॉपुलर हो जाऊँगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि गाइस ये है गोरेलाल जो कानपुर के रहने वाले हैं। इनका पहले टिकटॉक और वीगो वीडियो पर 1.5 मिलियन तकरीबन 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे। जाने हो भैया, मालिया एक नंबर है पर फंसी कैसे, यही के खातिर कुछ बड़ा तगड़ा प्लान। हाँ वा प्लान, पहले यही की दीदी का पटाई। और जब टिकटॉक और वीगो बैन हो चुका तब इनका मानसिक संतुलन खो बैठा, तब से ये वीडियो बनाना बंद कर दिए। बहुत अच्छा पॉपुलर हो गया था उसके बाद में, मतलब इनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया, जब से टिकटॉक और वीगो बैन हो गया है इन्होंने वीडियोस अपलोड करना ही बनाना ही छोड़ दिया और मतलब एकदम से डिमोटिवेट हो गए हैं और कई बार सुसाइड करने की तो मैं कहता हूँ गोरेलाल तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है ना भाई, जैसे डीजे बॉय साजिद खान के अंदर टैलेंट है। उन्होंने अपना टैलेंट यूट्यूब पे दिखाया और फेमस हो गए और उन्होंने अर्निंग भी शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूँ किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाए, तो आप चैनल बनाइए और उस पर अपना टैलेंट शो करिए, उस पर वीडियो बनाकर डालिए। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि गोरेलाल को सपोर्ट करिए और उनका चैनल ग्रो कराइए। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।